तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष के अन्नामलाई 3 महीने की छुट्टी पर जाने वाले हैं। इस दौरान वो ब्रिटेन के मशहूर यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई करेंगे। आपको बता दें कि उन्हें 3 महीने की एक फेलोशिप मिली है। अन्नामलाई ने इसका फैसला लोकसभा चुनाव के नतीजे आने से पहले ही कर लिया था। जानकारी के लिए बता दें कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी तमिलनाडु में कोई सीट नहीं जीत पाई थी, लेकिन वो अपना आधार बनाने में सफल हुई थी। राज्य की 39 में से 12 सीटों पर बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने दूसरा स्थान हासिल किया है। अन्नामलाई शेवनिंग गुरुकुल फेलोशिप फॉर लीडरशिप एंड एक्सीलेंस के लिए चुने गए हैं। ये फेलोशिप उन युवा नेताओं और प्रोफेशनल के लिए डिजाइन की गई है जिनमें नेतृत्व करने की क्षमता है। ये सितंबर के मध्य से शुरू होगी और दिसंबर में पूरी होगी। अन्नामलाई ने इस फेलोशिप को स्वीकार करने के लिए पार्टी नेतृत्व से इजाजत मांगी थी। आपको बता दें कि तमिलनाडु में लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान अन्नामलाई पीएम नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी के अन्य शीर्ष नेताओं के साथ मंच साझा करते हुए नजर आए थे। आईपीएस की नौकरी छोड़कर आए अन्नामलाई को बीजेपी ने अपने कई वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार कर प्रदेश अध्यक्ष के लिए चुना था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अन्नामलाई ने कोयम्बटूर सीट से चुनाव लड़ा था। वहां उन्हें डीएमके गणपति राजकुमार पी के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। डीएमके उम्मीदवार ने उन्हें 1,18,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से हराया था, लेकिन बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए राज्य की 39 में से 12 सीटों पर दूसरे स्थान पर रहा था। उसने एआईएडीएमके को तीसरे स्थान पर खिसका दिया था। बीजेपी के एक नेता के मुताबिक अन्नामलाई इस फेलोशिप को लेने के लिए काफी इच्छुक थे। वो इसे एक ब्रेक के रूप में देखते हैं जो उन्हें चुनाव के बाद रिचार्ज करने में मदद करेगा। नेता का कहना था कि अन्नामलाई की इस छुट्टी को चुनाव नतीजों से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। ये उनका अपना निर्णय है, इसे उनके पुनर्वास के रूप में नहीं देखना चाहिए। आपको बता दें कि अन्नामलाई ने साल 2011 में सिर्फ 23 साल की उम्र में पहले ही प्रयास में संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा पास कर ली और 244वीं रैंक हासिल कर आईपीएस अफसर बन गए थे। आईपीएस बनने के बाद अन्नामलाई की पहचान कर्नाटक के सिंघम के रूप में होने लगी थी, लेकिन मई 2019 में उन्होंने पुलिस की नौकरी छोड़ दी और अगस्त 2020 में तमिलनाडु भाजपा में शामिल हो गए। इसके बाद जुलाई 2021 में भाजपा ने अन्नामलाई को तमिलनाडु का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया। ऐसी ही जानकारी के लिए देखते रहें पंजाबकेसरी.com, साथ ही कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें।